Hey, what's up guys? And this is Mohammed Umair. आप देख रहे हैं बी स्टाइलिंग। सो यार मुझे एक कमेंट आया था, जिस कमेंट में एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि भाई हमें कोई ऐसा शैम्पू बताएं जिससे जो मेरे बाल हैं जो व्हाइट हो रहे हैं वो ब्लैक हो जाएं। यानी कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, एक ऐसा शैम्पू आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि आपके बालों को ब्लैक करेगा। जी हाँ गाइस, ये कोई कलर नहीं है, ये एक शैम्पू है जो कि आपके बालों को ब्लैक करेगा। सो ये एक कलर नहीं है, ये एक शैम्पू है, ठीक है। तो ये चीज आपको पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो चीज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं ये कोई कलर नहीं है। आप लोगों के सामने मैं ऐसा आज शैम्पू शेयर करूंगा जिससे गाइस आपके जो बाल हैं वो ब्लैक हो जाएंगे। जो हमारे छोटे उम्र के बच्चे होते हैं जिनके बाल ब्लैक हो जाते हैं, आजकल का वैसा भी सीजन है यार, आजकल तो इजीली हो जाते हैं। मैंने कई लोगों के देखे हैं 13 साल में लड़के के बाल व्हाइट आना शुरू हो गए थे। तो ये कोई कमजोरी की अलामत होती है, ना कि कोई ऐसी हैबिट्स की वजह से होती है। सो इस वीडियो में जो आपके सामने मैं शैम्पू शेयर करने वाला हूँ वो आपके लिए इंतहाई बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सीरियस हैं कि अपने बालों को आप ब्लैक करें तो मेरे भाई इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। और जिस तरीके से मैं आपको हर चीज बताऊंगा आपने सेम उस तरीके से करनी है। अगर आप इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस करते हैं तो मेरे भाई आप ये कर नहीं पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल से मिलती रहे। सो गाइस चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो मेरे भाई जो चीज आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, पहली बात ये बता दूं कि ये कोई कलर नहीं है, ये आपके लिए मैं शैम्पू लेकर आया हूं। तो बिल्कुल इसका जो नाम है वो लीचन का है, ब्लैक शैम्पू। तो ये चीज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। अगर आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता है तो मेरे भाई आप वीडियो को स्किप कर दें, अगर आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप लोग इसको यूज कैसे करेंगे। देखने में सिंपल चीज है, आपका शैम्पू है, लेकिन इसको यूज करने का मेथड थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आपने इसको तरीकाकार आपने समझ लेना है, उस तरीके से आपने यूज करना है और प्राइस में बहुत ज्यादा ये सस्ता है और आप हर कोई बंदा इसे नॉर्मली पॉकेट बजट से आप यूज कर सकते हैं। तो गाइस अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की, इसको चेक करने की। तो मेरे भाई आपने वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए अगर आप अपने बालों को व्हाइट टू ब्लैक करना चाहते हैं। तो मैं अभी करके दिखाता हूं तो आपने वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लेना है। आपको ऐसा करना है, एक बोल ले लेना है और उसमें जो आपके पास शाशे है उसको पूरा निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको अच्छे से उसे हिला के मिक्सअप कर लेना है और लगाने से पहले आपको इस बात का ख्याल रखना है कि बाल आपने अच्छी तरह फुल गीले कर लेने हैं, पूरा अपने बालों को अपने सर को अपने धो लेना है। फिर उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता इसको पूरे मिक्सचर को अपने सर के ऊपर अप्लाई करना है। Fire spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. अप्लाई करने जब आपके पूरे सर के ऊपर लग जाए, लगने के बाद आपने 5 मिनट तक इसकी मसाज करनी है। याद रखें ग्लव्स पहनना लाजमी है। जब आपने 5 मिनट मसाज कर लेनी है उसके बाद आपने ऐसा करना है, अपने सर को आपने धो लेना है। धोने के बाद आप रिजल्ट 100% देख सकते हैं, पहले और अब का जमीन आसमान का फर्क है, जो कि आप लोगों के लाइव दिखाया गया है कितने ब्लैक हेयर्स हो गए हैं। Fire spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो गाइस देखा आपको कितना फायदा हुआ सिर्फ और सिर्फ एक बार अप्लाई करने से ही उसके बाल जो हैं वो ब्लैक हो गए थे। सो गाइस इसी तरह ही आप भी यूज कर सकते हैं। यार जो बंदा था ना जिसके ऊपर मैंने अप्लाई किया था वो भी टीनेजर है, छोटी उम्र है, लेकिन फिर भी उसके जो हेयर्स हैं वो व्हाइट हो गए हैं।
तो मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया पहले काफी ज्यादा हेयर से, फिर उसके बाद लगभग तकरीबन कोई 90% उसके जो हेयर्स हैं वो सारे ब्लैक हो चुके हैं। सो गाइज अगर अब बात कर लेते हैं इसको यूज करने की, अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो गाइज तो आप इसे मंथ में सिर्फ एक बार, या फिर अगर आपको नहीं यूज करना तो आप 2 महीने में इसे एक बार यूज कर सकते हैं। इतनी देर तक आपके जो बाल हैं वो ब्लैक ही रहेंगे। और आपको मैं अभी भी ये कंफर्म कर दूं कि ये शैम्पू है ना कि ये कलर है। सो अब कर लेते हैं बात इसको बाय करने के बारे में कि अगर आपको ये पसंद आया और अगर आपने इसे बाय करना है तो आपको कहाँ से मिलेगा। पहली बात ये कि ऊपर ये इसकी पूरी तस्वीर आ रही है, अगर आपको किसी शॉप से ये मिल जाए आपके बाजार से तो इजीली आप वहाँ से परचेज कर लें, अगर वहाँ से ना मिले तो मेरे भाई दराज का मैं लिंक आपको दे दूंगा। लेकिन फिलहाल आपको पता है जो इशू बना हुआ है पाकिस्तान में, हर चीज़ बंद है, ये इशू ये वबा जब भी बंद होगी खत्म होगी तभी दराज वगैरह जो पे दराज के ऊपर ये वैसे है आप वहां पे सर्च कर लीजिएगा, दराज से आसानी बाय कर सकते हैं। इसकी प्राइस की मैं बात करता हूँ पाकिस्तान में इजीली गाइज आपको तकरीबन 100 से लेके 120 तक आराम से मिल जाएगा दराज से, और दराज के अलावा आपको मार्केट में 60 या 70 रुपए का आपको इजीली मिल जाएगा। और 60-70 रुपए क्या है अगर आपको 2 महीने के बाद सिर्फ एक बार यूज करना है, और उससे आपके बाल 2-2.5 माह 3 माह 4 माह जब तक भी आप चाहें अपने बालों को ब्लैक रख सकते हैं। अब ये डिपेंड आप पे करता है, लेकिन ये इसका जो सर्कल है तकरीबन 1 मंथ प्लस है, सो 1 मंथ आपके जो हेयर है वो ब्लैक रहेंगे रहेंगे, और उससे ऊपर से उसे अबव हो जाए तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि इन्होंने सिर्फ 1 मंथ का लिखा हुआ है। सो गाइस ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई है। अगर कोई मुझसे चीज नहीं बताई गई आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नीचे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, और ज्वाइन करके अगर आपको कुछ पूछना है ग्रुप में पूछ लीजिए। गाइस तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर करें, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए गाइस, अल्लाह हाफिज।